कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी बताइए? अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और क्या औरत क्या बुरा हो रहा था, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके नहीं हो रहा है हम उसे देख नहीं रहे। चलिए उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ औरत, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे कि जाकर देखो, तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। बीरभूषण जी, बीरभूषण जी, आरोपी बीरभूषण बोलने में शर्म लग रही है, रेपिस्ट की तो आपकी हिम्मत नहीं है। मैं इस बिटिया को सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए, आपके इतने सवालों का जवाब दे रही है बेतुके। कहा जा रहा है कि ये जो महिला पहलवानों का जो धरना है, इसके पीछे जो विपक्षी दलों का हाथ है। देखिए विपक्षी दलों का हाथ नहीं है, इस फीमेल एथलीट के साथ बुरा हुआ है, वो तभी इसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, और इसलिए वो यहाँ पर बैठी हैं कि उनके इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो इनके साथ बुरा हुआ, और जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं वो, हमारे संविधान हमें हक देता है कि अगर आपके साथ अगर कुछ हुआ है आप नहीं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, और जब ये प्रोटेस्ट कर रही हैं तो अब इनके साथ बुरा भी, उन्हें मारा भी जा रहा है, पानी पे बरसात जो उस दिन हुई थी, बारिश हुई, लाठीचार्ज सब कर दिया। देखिए पहली बात, जो गलती करता है कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने गलती करी है, कोई नहीं मानेगा, कोई भी कुछ गलत करेगा नहीं मानता है। मैं उन्होंने गलत करा है, और फीमेल एथलीट उभर कर आ रही है, जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें होती है, पर लड़कियां नहीं बोल पाती हैं कि फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी है, और भी इज्जत क्या रह जाएगी। और मैम अभी जो ये चीज़ हुई है, इसको देख करके इंडिया के इतने सारे आने वाले जो मेडलिस्ट बनने वाले थे, वो फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स ने उनका नाम वापस ले लिया है कि हर स्पोर्ट्स से, कि नहीं आज इस बेटी के साथ हुआ इसे इंसाफ नहीं मिला, कल को हमारी बेटी के साथ भी होगा, हमें कौन इंसाफ देगा? इसे ये तो प्रोटेस्ट कर ले रही है, कल को हमारी बेटी के साथ हो गया तो कौन करेगा, कौन बोलेगा? तो इसको देख करके इतनी सारी फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स उनका नाम ले लिया है। राजनीतिक दल के कई बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े नेता आ रहे हैं, क्या राजनीति रोक गया, सिर्फ देख रहे हैं कि कुछ सहायता कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है? देखिए बात, सपोर्ट हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि जो इन फीमेल जिनके साथ बुरा हुआ है उन्हें इंसाफ मिले, उनके साथ जो बुरा हुआ है उसे, मतलब ये है कि उसे अपने, उन्हें अपने वो जो पोस्ट पर है वो हटें, और इन्हें सपोर्ट, मतलब ये है कि जो जो लोग ये देख रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए और इनका सपोर्ट करें कि हाँ इनसे गलत हुआ है, जो जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, लड़की लड़का जो भी है, वो आ करके यहाँ पर इनका सपोर्ट करें। भूषण का आपने एक बयान सुना होगा, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं मोदी जी को डायरेक्ट अटैक करने का आंदोलन है, उनकी पार्टी को बदनाम करने का, उनकी छवि को बदनाम करने का। देखिए मोदी जी तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है, हम मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, जिसने बुरा करा है हम उसे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे साथ बुरा हुआ है, आप हमारे पीएम है, आप हमारी मदद करिए, आप हमें इंसाफ दिलाइए, हम उन्हीं से तो मांग रहे हैं, हम उन्हें थोड़ी, हम उन्हें कोई मोदी जी को बुरा बोल ही नहीं रहे। उनका एक ट्वीट भी नहीं आना केरला स्टोरी पे, वो डायरेक्ट कह रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि जाके मोदी जी देखिए, इस पे एक ट्वीट नहीं आना, उसको किस तरीके से देखिए केरला, क्या केरला स्टोरी पे वो जाके कहते हैं मूवी देखिए, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट है उनके पास 400 मीटर दूरी पे, वो एक ट्वीट नहीं कर रहे, बयान नहीं दे रहे, इस पे क्या? देखिए केरला स्टोरी ये तो कोई अले, आप तो दूसरी बात बोल रहे हैं, एकदम मूवी वूवी की बात बोल रहे हैं कि हाँ उस पे सवाल कर रहे हैं पर इस पर नहीं बोल रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जब वो और सारी जो आज जैसे और सारी मूवीज वूवीज ये सब जो हो रही है उन पर वो कर रहे हैं, मतलब अभी जो हमारे हिंदुस्तान का मेजर मुद्दा है, इसलिए केरला स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियां को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, और मोदी जी उस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यही हिंदू लड़कियां जिनको बैठा के मोदी जी इनके साथ बैठ के सेल्फी लिए थे। देखिए वही तो मसला है कि जो चीज उनका मानना है कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी बताइए? अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और क्या औरत क्या बुरा हो रहा था, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके नहीं हो रहा है हम उसे देख नहीं रहे। चलिए उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ औरत, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे कि जाकर देखो, तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं? ये वही बेटियां हैं जिसके खाना खाते समय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अपने देश की बेटियों पे गर्व है, नाज है, लेकिन एक बार भी उनका कोई भी संदेश या कोई भी मन की बात भी कर चुके हैं, 100% भी पूरा उनके हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन बेटियों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं। देखिए जैसे आपने भी बोल, इतना देखिए मेजर यही है कि जैसे आपने अभी मुझे बोला कि वो बोलते हैं कि बेटियां हमारी ये कर रही हैं, बेटियां हमारी वो कर रही हैं,
अब जब उनके बेटियों को उनकी ज़रूरत है वो बेटियों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो खुद कितना उन्होंने स्लोगन बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज जब बेटियों को उनकी ज़रूरत है कि वो आए बेटियों के लिए बोले कि हाँ तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन जैसे आप ना ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, जो और वो बृजभूषण सिंह जो है वो अपनी पोस्ट पर भी अड़ा हुआ है। बृजभूषण कह रहे हैं कि रोडों पे अगर आपको न्याय मिलने लगे तो मेरे पास भी इतने लोग हैं कि मैं इससे ज़्यादा लोग खड़ा कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि खड़ा कर दूंगा। देखिए वो ये जो कह रोडों पे बैठे नहीं है, ये रोडों पे खड़े नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है अगर आपके साथ तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, हमें हमारे संविधान ने हक दिया है। और ये बैठे हुए नहीं है, ये जो ये सारे एक साथ हुए हैं कि जिस फीमेल के साथ बुरा हुआ है उसके लिए बोले, वो इसके लिए बोले। हमारा कानून तो अच्छा, सबूत भी मानता है, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तो बृजभूषण को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? तो ये सबूत देखिए, सबूत की जो आपने बात करी है सबूत की आपने बात करी है जो ये फीमेल एथलीट है उन्होंने तो जब तक वो FIR नहीं करवाएंगे, जब तक वो बैठेंगे नहीं, मतलब जो टीम नहीं बैठेगी क्या हुआ है तभी तो आगे कोई चीज़ करेंगे। मोदी जी का FIR दर्ज कर लिए, कार्यवाही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है लेकिन चल रही है कार्यवाही, क्या FIR दर्ज हो चुकी है तो 24 घंटे में गिरफ्तारी है। मैडम ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरे पास, वो कहते हैं कि लाल आंखों से मेरे डर जाते हैं सारे जितने भी अपराधी कोई भी हो, योगी जी कहते हैं मैंने माफिया को मिला दिया, लेकिन मोदी जी अभी तक बृजभूषण के बारे ना कुछ कहा ना कोई ट्वीट आया, वो तो पूछा हमने, तो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को डर है या क्या बात? अब ये तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा आपको पूछने के लिए, ये तो आपको मोदी जी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं कैसे जवाब दूँ इस चीज़ का। मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान के जो है चाइना को लाल आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा अटैक कर करके आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये मोदी का विरोध है? आपने आपने अभी सवाल किया, आप तब तक बिरभूषण जी लगे हैं, आप पहलवानों के आरोपी लगाने में आपको दिक्कत है क्या? आरोपी तो है वो कम से कम, आप कह तो सकते हो ये बिटिया है, मेरी बिटिया भी इन्हीं की उम्र की है, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, आप इतने सवाल दाग रहे हो, समस्या ये है कि जहाँ सवाल दागे जाने चाहिए वहीं नहीं दागे जा रहे, आप देश को ये नहीं बता रहे कि यहाँ बैठी जो पहलवान बेटियाँ हैं जिन्होंने मेडल दिलाए हैं देश को वो क्या कह रही हैं? बृजभूषण जी आरोपी बृजभूषण बोलने में शर्म लग रही है, रेपिस्ट की तो आपकी हिम्मत नहीं है, मैं इस बिटिया को सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए, आपके इतने सवालों का जवाब दे रही है बेतुके सवालों के, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ बृजभूषण जी बोल के आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप आरोपी कहने में डर लग रहा है आप लोगों को, आरोपी नहीं लगा सकते आप उनके आगे? बृजभूषण क्या कह रहा है, ये बेटियां क्या कह रही है, ये बेटी क्या कह रही है देश की? अच्छा सुनिए सर, मोदी जी का चुप्पी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बेटी के साथ बैठे हुए तो मैं उनका मोदी जी का इतिहास है जनाब, मोदी जी का इतिहास है, मोदी जी का इतिहास सर, मैं आज अपने को भी कोस रहा हूँ, मेरी भी जवान बेटी है, मेरी भी बेटी इसके बराबर ही है, मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी ही मेरे बगल में खड़ी है, कि जब जब देश पे संकट आया है तब तब मोदी चुप ही रहे हैं, तब मोदी कहाँ मिले हैं? कोरोना काल में कहाँ मिले हैं? लासू के ढेर में कहाँ मिले हैं? पुलवामा में कहाँ मिले हैं? कब मिले आपको मोदी? दिक्कत यह है कि ये सवाल जहाँ होने चाहिए वहाँ वो सवाल नहीं हो रहे, उन पहले तो बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की, और जो बोल पा रहे हैं ये मेरी बिटिया देखो कैसे पसीने से तर बतर हो रखी है, इससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं, और मैं इसको सलाम करता हूँ कितनी खूबसूरती से, जितनी इतनी नॉलेज है, जितनी इसकी जानकारी, जिसका दर्द है, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही है, वहाँ सवाल कीजिए ना यार, कम से कम आरोपी तो लगाइए उसके साथ, एक आरोपी लगाने में डर रहे हो, चौथा स्तंभ हो तुम मीडिया का, मुझे नहीं पता अब मैं यहाँ से हिलूंगा तो उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन यार थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस बच्चे से सीखो, इन पहलवानों से सीखो, इस देश का भविष्य तुम्हारे भी कंधों पे है भाई, तुम्हारे भी आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी, क्या तुम बृजभूषण जी आरोपी आरोपी बोल, आसाराम के पीछे कम ताकत थी, राम रहीम के पीछे कम ताकत थी, वो चिंतानम के पीछे कम ताकत थी, तब भी तो यही लोग खड़े थे, क्या हुआ जब देश की जनता खड़ी हो गई, जब मीडिया खड़ा हो गया, तो आज वो कहाँ है? देखिए आशाराम जो है इतनी बड़े पावरफुल थे, उनकी अरेस्टिंग हो गई, तो बृजभूषण जो आरोप नीचे आरोप लगा उनकी, टाइम लगा उस पर भी जनता से सवाल हो रहे थे, उस पर भी बच्चों से सवाल हो रहे थे, ये इस बेटी का जो पसीना बह रहा है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेडलिस्ट जो यहाँ पे रात दिन बैठे हैं इनकी आवाज़ इनकी आह में सब बह जाएगा।
गिरफ्तार अपनी जिम्मेदारी निभाइए जनाब, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, होगी गिरफ्तारी, मोटी चौड़ी है, करेगी असर। टिकट साहब कह के गए हैं दूसरी डोज तैयार है, पहली डोज का तो टाइम पूरा होने दीजिए, दूसरी डोज भी आ जाएगी। अरे एक आरोपी क्या कह रहा है, किसको इससे लेना देना है? सिर्फ मीडिया को इससे लेना देना है। ब्लैक डे आप लोग आज मंगाए हैं, अभी मनाए हैं, वो ब्लैक डे मनाने के पीछे क्या है? अरे तो जहाँ जहाँ कानून का राज ना हो, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्मृति ईरानी जी, महिला आयोग सारे इतने बगल में रहते हैं, है अगर वहाँ वहाँ ब्लैक डे नहीं होगा तो और क्या होगा? वहाँ काला इतिहास ही लिखा है। मंत्री कोई भी नहीं आई यहाँ पे, कौन आई आप बता दीजिए? महिला मंत्री, क्या कोई महिला मंत्री नहीं है? दे हुई तो आप रात रात दिन टीवी चैनलों पे चल रहा होता तो अब तो कर्नाटक का भी चुनाव खत्म हो गया। आप इस बिटिया से अभी आप अभी कोई केरला की फिल्म की बात इस बिटिया से कर रहे थे, इस बटिया से बात कर रहे थे, वो तो मुद्दा आपने जिंदा करा है, वो तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा था, वो पिक्चर भी पिट चुकी है और उसको चलाने वाले लोग भी पिट चुके हैं, मीडिया उसको जिंदा रख रहा है केरला स्टोरी को, हर इलेक्शन में एक न एक स्टोरी आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है, तो क्या ये जुमलेबाजी करते हैं क्या सरकार? बिल्कुल जुमलेबाजी, क्या आपको दिख नहीं रहा? मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो सबको आपको दिख ही रहा है, ये तो जंतर मंतर बता देगा। आप देश की आवाज, पहलवानों की आवाज उठाइए, जो लोग बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाने का काम ना कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ये देश आपसे भी सवाल करेगा, आपकी आने वाली नस्लों से भी सवाल करेगा।